Sorry, in the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. So busy in the air, sir. आज 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 में तीन टाइप के क्वेश्चन ठीक है तीन टाइप में जो फर्स्ट टाइप है उसमें जो है वो क्वेश्चन है पहले चार जो सेकंड टाइप है उसमें क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट जो चार है पांच से आठ तक सेकंड टाइप के क्वेश्चन है और छह नौ से ग्यारह तक के थर्ड टाइप ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आज ही करवा दूंगा और ये आपका लेक्चर दो या तीन दिनों का बन जाएगा ठीक है पहले दूसरे तीसरे चौथे में से मैंने क्वेश्चन लिखे थर्ड क्वेश्चन ठीक है थर्ड क्वेश्चन और पहला जो कि अभी इस दफा स्मार्ट सिलेबस में है वो देखते हैं कैसे बनेगा अगर मैं इसको माइनस लिखे अंडर रूट वर्ग जब एक साइड में रहे तो बाकी एक साइड में लेगा क्या होगा फोर एक्स माइनस थ्री जब इधर रहेगा प्लस थ्री होगा इक्वल्स टू बाकी टर्म जो अंडर रूट वाली है अंडर रूट 13x प्लस 4 वैसे ही है अब देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट भी इसी टाइप का थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का और फोर्थ पार्ट को मैं देखूं तो उसमें जैसे माइनस थ्री दूसरी साइड पे गया वैसे माइनस एक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी चीज बन रही ठीक है एक साइड पे दो वैल्यूज विदाउट स्क्वायर रूट एक साइड पे दो वैल्यूज विद स्क्वायर रूट ठीक है अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है डेफिनेटली स्क्वायर रूट का हमें नहीं चाहती हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट को खत्म करने का एक जो आसान सा तरीका वो है स्क्वायर तो हम क्या करते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ठीक है क्या होगा 4x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 13x प्लस 4 का स्क्वायर ठीक है इधर से ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल इधर तो सिंपल बात देगा मैं बात 13x प्लस 4 यहां पर मैं बात a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ए बी ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम गमन भाव 4x का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर वैसे ही प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया अब ये कांस्टेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 * 4 8 8 3 24 हो जाएगा कौन सा नंबर जो के एक था वो वैसे ही आ गया वेरिएबल एक्स था उसके साथ तो और होल कोई नहीं था वो वैसे ही आ गया कौन सा नंबर आपस में जो तीन थे वो तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाकी 13x प्लस 4 वैसे ही अब सारी वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे कर लूंगा तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी और क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी वो क्या 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x वैसे ही आ गया अब बाकी जो 13x 4 है वो जब इस साइड पे आएगा ये इधर आएगा तो माइनस 13x होगा प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 उस साइड में सिंपल 0 बन जाएगा 16x स्क्वायर अब ये x वाली टर्म x के साथ सॉल्व होगी 24x माइनस 13x 24 में से 13 निकाल दे रहे हैं तो बाकी बात जाएगी हमारे पास 11x अब 9 में से 4 निकाल दे रहे हैं तो हमारे पास बच जाएगा 5 = 0 कॉन्स्टेंट के साथ सॉल्व किया x वाली टर्म के साथ ठीक है अब आ जाते हैं इधर फिर ये हमारे पास क्या बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्मूला लगाओ फैक्टर्स बनाओ किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ये आगे आप खुद इजीली कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं फैक्टर्स आपको थोड़े से लेंथी लग रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ फॉर्मूला बना देता हूँ ए हमारे पास रहेगा एक्स का कोएफिशिएंट 16 है बी एक्स का कोएफिशिएंट 11 है सी कॉन्स्टेंट नंबर वो 5 तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए ठीक है अब इधर वैल्यूज पुट करो
और सिंपल सॉल्व करने कैलकुलेटर वाला काम है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये हमने पहले भी किया हुआ, ठीक है। अब ये देखा कैसे क्वाड्रेटिक को इन सॉल्व आप कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी टाइप में क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास तीनों टर्म स्क्वायर रूट में आएंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 में करवा रहा हूं, ठीक है। क्या है 4a+x अंडर रूट 4a+x माइनस अंडर रूट a माइनस x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a, ठीक है। अब इसकी पहचान या हमें कैसे पता चलेगा और पहले वाले से हम कैसे अलग करेंगे, इसमें तीन टर्म्स होंगी और तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट होगा, यानी तीन स्क्वायर रूट होंगे। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। पहले तो हमने सिंपली स्क्वायर ले लेना दोनों साइड पर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या मैं दे रही हमारे पास 4a+x अंडर रूट माइनस अंडर रूट a माइनस x, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a, इसका भी स्क्वायर आ गया, यानी दोनों साइड पे हमने एक एक स्क्वायर ले लिया। इस टर्म का एक स्क्वायर ले लिया, इक्वल के साइड पर दूसरी टर्म का उसका भी स्क्वायर ले लिया। अब ये हमारे पास एक टर्म है दरमियान में माइनस, ये दूसरी टर्म है ऊपर और का स्क्वायर है, तो वो a माइनस b का हो स्क्वायर बन गया। क्या था वो हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4a+x और सेकेंड टर्म क्या है a माइनस x इक्वल टू, ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा, ये a बच गया, ठीक है। अब ये भी कैंसिल, क्या बचा है 4a+x प्लस यहाँ पर बचेगा a माइनस x यहाँ पर माइनस टू, ये अगर दोनों अंडर रूट में मल्टीप्लाई करें मैं एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या था 4a+x इंटू a माइनस x दोनों में अंडर रूट था मैंने a की अंडर रूट दे दी इक्वल टू a। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस x और माइनस x ये तो हो गया कैंसिल, 4a+a की हो जाएगा मेरे पास 5a माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 4a+x इंटू a माइनस x इक्वल टू a, अंडर रूट वाली टर्म एक साइड पे बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे, अंडर रूट वाली टर्म ये है माइनस 2 क्योंकि ये साथ मल्टीप्लाई रहते ये एक टर्म कंसीडर की गई, 5a दूसरी साइड पे ले देंगे ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। a प्लस 5a इधर आएगा तो माइनस 5a होगा, ये कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो बचेगा मेरे पास 4, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन a आ गया, ठीक है। 5 a में से 1 a निकाल के तो 4 a बच गया, बाकी मेरे पास ये माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 4a+x और इनटू a माइनस x दोबारा से लिखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। पहले तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जब दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये 4a है, 4 का स्क्वायर होता है 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। अब इधर एक टर्म 2 है एक टर्म ये अंडर रूट बन गया, 2 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 4, ये अंडर रूट का जब स्क्वायर होगा तो वो इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या बाकी है मेरे पास 4a+x इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं ये भी आपको लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर अलग से ले आता हूँ 4, अंडर रूट वाली टर्म का अलग से जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास वही चीज बचेगी जो मैंने पहले लिखी थी, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको ये 4 का मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देता हूँ, इधर 4a+x बच जाएगा, ये a माइनस x होगा इक्वल टू 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड 4 वन था 4 4 4 था 16, क्या बच गया हमारे पास 4a+x इनटू 4a माइनस x इक्वल टू 4a स्क्वायर,
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया 4, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, 4a into a 4a square, 4a को माइनस a से करेंगे तो माइनस 4ax हो जाएगा, अब प्लस x को a से करेंगे तो प्लस ax, प्लस माइनस माइनस x को x से करूंगा x square equals to 4a square, ठीक है। अब जो ये x square भी माइनस में आ रहा तो मैं सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले लेता हूं, यहां पर 0 रह जाएगा, ये 4a square वैसे ही, अब ये प्लस 4a square इधर आएगा तो माइनस 4a square, ये माइनस 4ax है इधर आएगा तो प्लस 4ax, ये प्लस ax है इधर आएगा तो माइनस ax, ये माइनस x square है इधर आएगा तो प्लस x square, ये प्लस 4a square माइनस 4a square कैंसिल, बाकी क्या बाकी है हमारे पास 0 इक्वल्स टू x square, हम पहले लिख देते हैं 4ax माइनस ax, यदि ax वाली टर्म है, यदि ये 4 है इधर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, 4 में से 1 निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा 3ax, 4ax में 1ax निकाल लेते 3 बच गया, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव। अब अगर इधर से मैं देखूं तो मेरे पास दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये वो सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही, हम इसको वो वाले मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, अब हम इसे x कॉमन ले लेते हैं, x के अंदर एक x बच गया प्लस 3a, ये जो x है ये भी बच, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, 0 इक्वल टू x, 0 इक्वल टू x प्लस 3a, इधर से तो सिंपल x की वैल्यू आ गई 0, इधर मैंने x निकाला है 3a, इस साइड पे आएगा तो माइनस 3a, ये x का आंसर आ गया। अब एक लास्ट टर्म जो रह गई हमारे पास, वो भी हमारे पास थोड़ी सी प्रीवियस से मिलती जुलती है, तो उसका भी मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, बाकी आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप पीछे एग्जांपल से देखेंगे, फिर भी ना समझ लगे तो आप मेरे से पूछ लेंगे, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। क्या है हमारे पास अंडर रूट ऑफ, इक्वेशन नंबर 9 है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इसकी बेस आ गया, अब इसके अंदर होंगे अंडर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, और दूसरी चीज इसमें इसकी पहली दो टर्म और इसकी पहली दो टर्म सेम होंगे, हम क्या करेंगे इसकी पहली के दो टर्म्स हैं यानी वेरिएबल x2 plus x को हम सपोज कर लेंगे y इक्वल, सपोज या लेट या फर्स्ट अज्यूम कुछ भी हम कह सकते हैं, अगर वापस मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ y प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 यानी x प्लस x की जगह y आगे प्लस 1, x प्लस x की जगह y आगे माइनस 1 इक्वल्स टू 1, क्या तरीका होगा इसका, आगे फिर दोनों साइड का स्क्वायर ले लेना, इधर भी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, वही प्रोसीजर जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया तकरीबन वही होगा, ठीक है, तो इसको खुद करें कोशिश करें, अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछें, मैंने खुद ही इसको पूरा नहीं करवाया ताकि आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करके इसकी कोशिश तो करें, नहीं होगा तो मेरे इसके बिल्कुल 1.4 से ऊपर वाला जो पेज जो उसी के ऊपर है ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है, ये उम्मीद है मुझे वैसे ही आपसे हो जाएगा, तो कोशिश करें प्रैक्टिस करें, बाकी जो इस्लाम का एक ऊपर लिखा हुआ है इसकी जो बाकी भी मीनिंग है वो मैं बता देता हूँ, कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इस्लाम का सिर्फ दर्स अमन पढ़ाया था, आपस में जहाँ पर अमन होना चाहिए यानी मुसलमानों का आपस में अमन होना चाहिए उधर हमें लड़ाया जा रहा है, दूसरे मुसलमान जो नॉन मुसलमान के साथ हमें सख्ती से पेश आना चाहिए उधर हमें कहा जाता है जी अमन का दर्स दे दो, अब देखें इस्लाम अमन का दर्स कब देता है और कब इस्लाम सख्ती का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स तब देता है जब आपके साथ कोई जुल्म ना हो रहा हो, किसी मुसलमान पर जुल्म ना हो रहा हो, ठीक है, इस्लाम अमन का तब कहता है, इस्लाम कहता है इस्लाम में है कि मुसलमान आपस में ऐसे हैं एक जिस्म की तरह, ठीक है, कि दूसरे मुसलमान को दर्द हो तो हमें भी होनी चाहिए, पर कश्मीर में फलस्तीन में इतना कुछ हो रहा है पर हम कहते हैं नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है,
इस्लाम बनकर दर्ज उस वक्त है जब कश्मीर फलस्तीन बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों की हुकूमत हो, जब किसी पर जुल्म ना हो, ठीक है, इस्लाम का बनकर दर्ज स्थित है। और जो दूसरी चीज जो अब अगर हम अपना अपने बारे में देखें कि हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से, हम पहले तो आपस में जब अमन का दर्ज देते हैं मुसलमानों के साथ आपस में अमल करें, दूसरे को तंग ना करें पर दूसरे का दर्द सख्ती से बेच, जो आप लोग जो हम लोग स्टूडेंट्स जो हम कर सकते हैं वह हम जिहाद करें। कौन सी जिहाद? जिहाद में इल्म, अपने इल्म के साथ दुश्मन को मारें, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया कि हमें एक एटम बॉम्ब दे दिया, उसकी टीम भी थी पूरी पर मेनली नाम उसका था कि उन्होंने हमें एक एटम बॉम्ब दे दिया। अब हम इस काबिल हो गए कि हम कम से कम डरते नहीं हो, डरते तो डेफिनेटली मुसलमान वैसे भी नहीं है, पर अब हमें पता है कि अगर कोई अटैक करेगा तो सोच समझ के करेगा। जहाद इल्म करें, अपना इल्म इतना बढ़ाएं कि आपसे डरे आप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर।